नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीषा विलेज फूड में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए अपने अपने घरों में होंगे। तो दोस्तों कोरोना जो बीमारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो हम लोग अच्छे से नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को कम से कम मार्केट में जाना चाहिए और मार्केट की जो वस्तुएं हैं उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आई हूं अपने खेतों में और अपने पशुओं को चारा के लिए, यहाँ पर घास है तो घास को मैं काट लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ लोग शाम को लगभग 5 बजे के टाइम जाते हैं खेतों में घास करने के लिए, और जो सब्जी वगैरह लगाए रहते हैं उसकी देख रेख करते हैं। तो ये देखिए, इसमें प्याज लगाया गया था तो प्याज जो है कि उपार लिया गया है, और इसमें घास बहुत ज्यादा उगे थे तो हम अपने पशुओं को खिलाने के लिए घास को काट लेते हैं। ये बंधना है, इसी बंधना पे रखते हैं और इसका गट्ठर बनाएंगे। ये देखिए, घास को मैं गट्ठर बांध ली हूँ। अब चलती हूँ खेतों से कुछ सब्जियां ले लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा खेत और इसमें खीरा लगाया गया है। चलिए मैं खीरा को तोड़कर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इसमें बतिया लिया है और बतिया काफी छोटी छोटी है। ये देखिए दोस्तों, बतिया अभी काफी छोटे हैं तो इसे हम नहीं तोड़ेंगे, देखकर जो बड़ा खीरा है उसी को तोड़ेंगे। तो हमारे यहाँ रोज आते हैं सुबह सुबह, तो बच्चे हैं तोड़ लेते हैं खाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये खीरा मिल गया। और यहाँ पर एक और है, ये देखिए दोस्तों, खीरा के बगल में लौकी का पेड़ भी लगा हुआ है और लौकी काफी अच्छे फले हुए हैं। ये देखिए, गर्मी के मौसम में इसी तरह से लौकी लगाई जाती है। और इधर देखिए, लौकी का फूल भी है और कुछ बतिया भी लिए हैं। ये देखिए, लौकी बतिया लिया हुआ है और ये है लौकी का फूल। ये देखिए दोस्तों, कितना छोटा सा लौकी है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, लौकी में काफी बतिया लगा हुआ है छोटा छोटा। ये देखिए दोस्तों, एक लौकी यहाँ भी फला हुआ है, इसे भी मैं तोड़ लेती हूँ। और इधर भी फले हुए हैं तो हमको जितना जरूरत है हम अपने जरूरत के हिसाब से तोड़े हुए हैं। बाकी के जो लौकी हैं वो जाएंगे मार्केट बिकने के लिए। खेतों से लौकी को मैं तोड़ ली हूँ, अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। दोस्तों मैंने खेतों से ताजे और नरम लौकी को तोड़कर ले आई हूँ घर। आज मैं लौकी की बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाकर आप लोगों के बीच शेयर करूंगी, तो आप लोग हमारे वीडियो का एंजॉय लेते रहिए। चलिए हम लौकी को जो है कि इसका छिलका उतार लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही नरम लौकी है, तो सबसे पहले मैं लौकी का छिलका उतार लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। ये देखिए, लौकी का छिलका हम अच्छे से उतार लिए हैं। इसी तरह से जो दूसरा लौकी है इसका भी छिलका उतार लेते हैं।
दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको लौकी नहीं पसंद आती है, अगर आप उनको कुछ अलग तरीके से बना के देंगे तो उनको जरूर पसंद आएगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि घर बैठे आप लोग जो चीज जिसको नहीं पसंद आती है उसको कुछ अलग तरीके से बनाकर उसको खिलाएं, जरूर उनको पसंद आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम लौकी का छिलका उतार लेते हैं। ये देखिए लौकी का हम छिलका उतार लिए हैं। अब मैं इसे साफ पानी से धोकर साफ कर लेती हूं। लौकी का छिलका उतारने के बाद इसे मैं साफ पानी से अच्छे से धो ली हूँ। अब मैं इसे छोटे छोटे पीस में काटती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे पतले पतले पीस में काटूंगी। ये देखिए दोस्तों इस स्लाइस में इसे काटेंगे, इसी तरह से पतले पतले पीस में हम काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इस स्लाइस में इसे काटना है पतले पतले पीस में। दोस्तों लौकी को हम पतले पतले पीस में काट लिए हैं। आप चाहे तो इसे चिप्स कटर की सहायता से भी काट सकते हैं। दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी का चटपटा पकौड़ा। इसके लिए हम क्या क्या लिए हैं चलिए एक नज़र देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लौकी को पतले पतले पीस में काट लिए हैं और इधर हम लिए हैं बेसन, ये है चने का बेसन। दोस्तों लौकी का पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ मसाले लिए हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिए हैं काला नमक, इसमें हम जीरा को भूनकर पीसे हुए हैं, एक हरी मिर्च जिसे हम बारीक काट लिए हैं, सफेद नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अजवाइन। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिए हैं चने का बेसन, इसमें हम मिलाएंगे कटा हुआ हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, काला नमक, सभी को मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। पानी को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे बराबर इस तरह से चलाते रहना है ताकि घोल हमारा ज्यादा पतला और ज्यादा सूखा ना बने, मीडियम में ही बने। ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा और पानी मिला देते हैं और इसको फेंटते हैं अच्छे से। दोस्तों बेसन को हमें अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें गुठलियां न रह जाए। ये देखिए इसे हम बराबर खूब अच्छे से फेंट रहे हैं, जितना ज्यादा फेंटेंगे उतना अच्छे आपके पकौड़े फूले फूले बनेंगे। ये देखिए दोस्तों बेसन का घोल हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार है, बहुत ही अच्छा है, न ज्यादा गाढ़ा है और न ज्यादा पतला है। अगर इसी तरह से आप घोल बनाएंगे तभी आपके पकौड़े अच्छे बनेंगे। सभी सामान को तैयार करके रख लिए हैं, चलिए जलाते हैं चूल्हे में आग। आग हमारा जल गया है और चूल्हे पे रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देते हैं, जब तेल गर्म हो जाएंगे तो एक एक लौकी के पकौड़े को हम छानेंगे। दोस्तों लौकी के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। लौकी हमारी
अब मैं इसे दूसरे तरफ भी पलट देती हूँ। ये देखिए एक साइड से हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे फूले हुए हैं पकौड़े। आंच को हमें धीमा ही रखना है। अगर आप आंच तेज रखेंगे तो जो नीचे के पकौड़े हैं लौकी वो कच्चे रह जाएंगे, तो आंच को हमें बिल्कुल धीमा ही रखना है। ये देखिए दोस्तों पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे छान कर एक बर्तन में रख लेती हूँ। इसी तरह से मैं सभी पकौड़े को छान लेती हूँ। दोस्तों आंच को हमें मीडियम में ही रखना है। आंच को ज्यादा भी नहीं रखना है और कम भी नहीं रखना है। अगर हम ज्यादा आंच करेंगे तो नीचे के जो पकौड़े हैं कच्चे रह जाएंगे, लौकी हमारी कच्ची रह जाएगी। तो धीमी धीमी आंच पर इसे हम पकाएंगे। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। लौकी के पकौड़े हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके घर अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप लोग इस पकौड़े को ज़रूर बनाकर खिलाइएगा। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को करिए लाइक, हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।